हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी देवबंद में सरसीना जगह पे हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अभी गुड़ की दिखे, जहाँ पे गुड़ की भट्टी है, जहाँ पे ये गुड़ बनाते हैं। सो अभी मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया है। सो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इनके पास, इनसे बात करते हैं कि कैसे ये करते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे सामने ये शाहरुख भाई हैं। अभी ये बताएंगे कि पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, ये गन्ने से गुड़ कैसे बनाते हैं। तो शाहरुख भाई, आपके ऊपर, अब बताओ आप। इधर तो चरखी धर्राटे काटती है, मतलब गन्ने लगाते हैं इधर जी। तो मतलब जैसे गन्ने लगाते हैं, उसका रस यहाँ पे आता है। अच्छा, तो कहाँ पे? इधर आता है रस। अच्छा, इस पे रस आता है जी। इधर आने के बाद हाँ, तो रस इधर आता है, सबसे पिछले कढ़ाई में रस आता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पकता है, थोड़ा बहुत पकता है, मतलब हाँ जी, ज़्यादा पकता है फिर इसके आगे। अच्छा, आगे वाले पे आता है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आए, इसमें आगे सफाई होती है, सफाई। अच्छा, इसमें सफाई होती है, सफाई होती है इसमें। और उधर मल निकाला जाता है, जो सडैन वगैरह उसके ऊपर होती है, गन्ने के ऊपर होती है। अच्छा, निकाल लिया जाता है इसमें जी। उसके बाद आता है तीसरे कढ़ाई। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि मतलब आधा आधा रस दोनों में पकता है। अच्छा, पका के फिर वहाँ पे लिया जाता है, जो आपने अभी यहाँ पे निकाला, उससे कढ़ाई से बाहर निकाला था, वो जो गुड़ वहाँ पे फेंट रहे। हाँ, अच्छा, हाँ, ये कढ़ाई ना जो है, ये लोहे की कढ़ाई है। अच्छा, और ये मतलब अच्छी तरीके से बनाई गई है, जिससे कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ठीक है। हाँ जी जी, अब जो यहाँ पे गुड़ आ गया, यहाँ पे आप फेंट रहे हैं इसको। हाँ, ये सारा इधर निकाला जा रहा है। अच्छा जी, फिर इसको सुखाएंगे। हाँ, तोड़ेंगे और फिर इधर डब्बों में रख देंगे। अच्छा, जिसके सूख के ऐसा हो जाता है। हाँ, और डब्बों पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाता है जी जी। और फिर यहाँ से मंडी जाता है। अच्छा, मंडी जाता है। हाँ, कहाँ कहाँ बेचते हैं इसके आप? इसको बेचते हैं हम इधर राजस्थान। हाँ, और सहारनपुर। हाँ जी जी, मतलब वगैरह वगैरह बहुत जगह जाता है, और धर्राटे काट देता है बिल्कुल, एकदम मजा बांध देता है लोगों का। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अभी जो यहाँ पे गुड़ बन रहा है, ये गुड़ बन रहा है खाने लायक है, सबसे अच्छा है। हाँ, चीनी को बंद करो, इसको खाओ। बिल्कुल, और क्या कहते हैं उसको, हाँ, चीनी को बंद करो, इसको खाओ, शुगर को मिटाओ और जड़ से मिटाओ। बिल्कुल, जिंदगी बन जाएगी। तो अभी गुड़ ये बन रहा, अभी बन गया, अभी सूखेगा। ये कितने टाइम में सूख जाता है? ये सूखेगा 15-20 मिनट के अंदर। 15-20 मिनट में सूख जाता है ये, 15-20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू शाहरुख भाई। अच्छा, इसको दिखाते हैं एक बार ना। ये तो यहाँ पे गुड़ देखिए, यहाँ पे कैसे हो चुका है पूरा। ये गुड़ सूख गया इधर, बढ़िया करके सूख गया, एकदम अच्छी तरीके से सूख गया जी। अब इधर आ जाओ तुम। हाँ, ये इसका प्लाट है। हाँ, और इसमें सुखाया जा रहा है, इसका चूरा जो झोंकने का होता है जी। और ये भट्टी है अंदर से, देखो इसको, ये भट्टी है। हाँ, ये भट्टी है जी, तो इसमें झोंका जाता है, देखो बैठे हो उधर झोंक रहे हैं, और इधर जी जी काम चल रहा है। ये भट्टी है, यहाँ से पूरा धुआं निकल रहा है जी, धुआं तो घर से निकल रहा है जी, धुआं वहाँ से निकल रहा है। तो दोस्तों, अभी आपको भट्टी का मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे वो पूरी मशीन लगी हुई है, यहाँ पे पूरा मशीन से काम करते हैं, ये चक्की चलती है पूरी इनकी, ये फिर यहाँ से ये हाँ चला रखी। तो आ जाओ इधर। हाँ जी, हम आपको दिखाने वाले हैं, इधर देखो, इधर जो वहाँ पे गन्ने लगा रहे थे हम, तो उसका चूरा इधर निकल रहा है। अच्छा, से निकल रहा है, और इधर से तो देखो कैसे बारिश का मौसम खराब होने से बारिश का पानी, फिर भी ये बंदे हार नहीं मानते इधर से जी, ये काम करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, मेहनती लोग हैं जी, मेहनती लोग हैं। तो
इधर आओ, इधर बंदा गन्ने लगा रहा है वैसा। अच्छा, इस भाई से आप पूछ सकते हो कि कितना थका है कि नहीं थका, पूरा 24 घंटे से गन्ने लगा रहा है इधर, आप पूछ सकते हो उस भाई से। हाँ भाई बता दे किस टाइम तक गन्ने लगा रहा तू यहाँ पे? दो बजे लगा, रात के 2 बजे से गन्ने लगा रहा है भाई, फिर भी थका नहीं, इतनी मेहनत से हम काम करते हैं। तो इधर भी 18 घंटे की ड्यूटी है हमारी, 18 घंटे की ड्यूटी है, हम रात के 2 से लगा के और इस टाइम के 8 बजे तक काम करते हैं। भाई जी सैल्यूट आपको भाई जी, इतना मेहनत इस टाइम लगे ना 8 बजे काम। हाँ, मैं सुबह के क्या क्या बजे काम कर रहे? सुबह के 9 बजे लगते हैं, तो आप देख सकते हो 18 घंटे काम करेगी। बिल्कुल देखो किधर से हम गन्ने लगाते हैं इस चरखी के अंदर। जी बड़ी ड्यूटी कोई नहीं दे रहा हिंदुस्तान में। बिल्कुल भाई जी 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, और जो मशीन है मैं आके एक बार 18 घंटे काम करते हैं सर। अच्छा, मशीन पे आप ये कर रहे हैं पूरा? जी जी, रात के 2 से लगा कर इस टाइम तक के 8 बजे तक काम करते हैं, 18 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं ये। 18 घंटे काम करते हैं आप? जी 18 घंटे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी मेहनती लोग हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शाहरुख भाई भी हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हारा भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और भी ज़्यादा, और आप लोग देख सकते हो। तो भाई का आप अपना चैनल बता दीजिए, यूट्यूब पे क्या चैनल है? मेरा चैनल है मिंगू चैनल। मिंगू चैनल, जी हाँ। मैं यहाँ पे 18 घंटे के बाद कड़ी मेहनत करने के बाद भी यूट्यूब पर चैनल बनाया और वीडियो डालता हूँ डेली रात के 12-1 बजे तक। अब देख लो आप, मतलब मैं अपना टाइम निकाल के थोड़ी बहुत देर का तो करता रहता हूँ, कुछ काम की कामयाब हो जाओ कहीं ना कहीं तो। ठीक है भाई जी, तो मैं अपने YouTube चैनल में भाई का चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिएगा शाहरुख भाई के चैनल को। और मैं अभी यहाँ देवबंद में हूँ, ये जगह का नाम बसेरा है, और यहाँ पे लोग काफ़ी मेहनती लोग हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हम लोग जो स्वादिष्ट गुड़ खा सकें। बहुत मेहनत का काम है फ्रेंड्स ये। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं। ओके, टेस्ट क्या है गुड़ जो है अभी सूख ही रहा है, गर्म गुड़ है, पूरा खाते पिघल गए, बहुत ही बढ़िया गुड़ है। जी शाहरुख भाई बताइए क्या बता रहे थे? हाँ, ये बिना मसाले का है, बिना मसाले गुड़ है। हाँ जी, खाते एकदम पिघल जाता है बढ़िया तरीके से। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश को इसको ही यूज करना है। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ है। हाँ, और ये बिना, ये मसाले वाला है, मसाले वाला है, अलग है उसका कलर अलग। जल्दी जाओगे जल्दी खाने का कहता हूँ, चीनी को मिटाओ और मारो गोली और उसको अपनाओ, जी को मिटाओ, जिंदगी बचाओ और बुढ़ापे से निजात पाओ। ठीक है भाई, ओके।